अबे कुड़ी जल्दी निकालो। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में, ममता की बाहों में, पापा की हेलो एवरीवन, राधे राधे। निगाहों में। कैसे हो आप सब? तो आज ये वीडियो है संडे, यानी कि मेरे बर्थडे के दिन का ही है। तो इसके पहले मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी, बस उसके बाद का ये है। तो पार्ट वाइज आपके साथ शेयर किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी है शाम का समय और हुनी के पापा आकर चले गए और उन्होंने भी केक खाया, उन्हें बहुत टेस्टी लगा। और आज मैंने नस में बनाया था भेल, और कुछ डिफरेंट स्टाइल से मैंने भेल बनाया था। तो सब लोगों ने खा लिया है, चाय नाश्ता हमारा हो गया है और 6 बज रहे हैं। इस समय दिया बत्ती का समय है, तो हम चल रहे हैं मंदिर में दिया जलाते हैं। और तब तक, जब तक हम दिया जलाते हैं, तब तक आप मेरी भेल की रेसिपी इंजॉय करिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स काटे हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और आलू है बारीक कटी हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मूँगफली भून रही हूँ। तो मूँगफली मैंने पहले से ड्राई रोस्ट की हुई थी, लेकिन फिर भी फिर से भून ले रही हूँ जिससे कि ये एकदम कुरकुरी हो जाए, ताजी हो जाए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, साथ ही साथ मैंने डाला इसमें राई। तो बस दोनों को चटकने देना है, और उसके बाद इसमें तुरंत हरी मिर्च डालकर, और फिर इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी प्याज डाल दी है, और प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं मैंने, बड़े प्याज। और इसके बाद इसके साथ ही इसमें मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए, एक बारीक मतलब बारीक कटी हुई एक आलू है, और नमक डाल के इसे अच्छे से मतलब भून लेना है। और प्याज के साथ आलू हो जाए इसलिए एक साथ ही दोनों चीज़ें डालनी है, नहीं तो फिर प्याज जल्दी जल जाएगी और आलू होगी नहीं। तो ये देखिए अच्छे से जैसा मुझे चाहिए था ये एकदम वैसे ही हो चुका है। तब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को अच्छे से इसमें सॉटे कर लेना है 2 मिनट के लिए, बहुत जल्दी गल जाती है। और साथ में डाल देंगे टमाटर। तो बस यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे मैजिक्स, मैगी मैजिक्स अगर है तो कोई बात, मतलब है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इसमें गरम मसाला डाल दीजिए। और इसके बाद चाट मसाला इसमें डाल देंगे, और चाट मसाला भी नहीं है तो आप अमचूर डाल दीजिए। तो बस मूँगफली डालकर मिक्स कर देंगे इसको। मेरा हो गया, अब मुझे करना क्या है, अब मैंने लिए ये देखिए मुरमुरे यानी कि लाई, और इसे मुझे जस्ट पानी डालना है, और पानी डालकर तुरंत 1 भी सेकंड नहीं रहना है देना है, उसको तुरंत हमें छान लेना है। तो मैं इस तरह की छन्नी लेके जा रही हूँ, और फिर तुरंत डालूंगी पानी और तुरंत मैं इसको इसमें वापस छान लूँगी। अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने जस्ट इसमें पानी डाला, और डालने के बाद ना तुरंत इसे इस टेनर से छान लेना है। तो गाइस उसके बाद उस मतलब मैंने लाई को, मुरमुरे को मतलब इसमें तुरंत मिक्स किया अपने मसाले में, और मिक्स करके सर्व कर दिया। और इतनी छोटी सी क्लिप मेरी मिस हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छे भेल हैं। मतलब वो ड्राई भेल तो आपने खाए होंगे, लेकिन इस तरह शायद ही नहीं खाए होंगे आपने। सो गाइस, मंदिर में मैंने दिया जला दिया, बाहर दिया जला दिया, और अब चलते हैं फटाफट से किचन में, क्योंकि धीरे धीरे भी काम करेंगे। और आज वैसे भी पता है इतने फ़ोन कॉल्स आ गए, इतने लोगों ने मुझे विश किया, मतलब इतने ढेर सारे मुझे भर भर के प्यार मिले हैं, इतने लोगों ने मेरे स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाए हैं, फेसबुक पे मुझे विश किया है, और इंस्टा पे भी मुझे विश किया है। तो इन सब के पीछे ना इतनी खुशी लगती है कि सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े रह गए हैं, तो इसलिए काम बहुत है। और अभी मुझे कपड़े भी बहुत सारे प्रेस करने हैं। यहाँ पर मेरी सब्जी की ग्रेवी बन चुकी है, और मैं बनाने चल रही हूँ पनीर की सब्जी। तो ये शिमला मिर्च और प्याज और मसाले सब तैयार हो गए हैं, और इस पनीर को मुझे मतलब कट करना है, और बनाने वाली हूँ क्या पनीर की सब्जी। और सेवई बन गई है, और पूरी में सादी पूरी और दाल की पूरी मैंने आपके साथ एक दिन शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं।
खाने जा रही हूँ लिट्टी पाली ले खाना, पनीर की सब्जी और सेवई और पूरी, बहुत टेस्टी है। तो गुनी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए खाना लेके जा रही हैं, तो शरद कुछ कह रहे हैं और बस अब इन दोनों लोगों को दे दूंगी और अम्मा आएंगी तो उन्हें भी दे दूंगी खाना। और ये दोनों लोग ये देखिए अपनी अपनी प्लेट लेकर कैसे खड़े हुए हैं। बस मम्मी के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज। और बैकग्राउंड में ये सब चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी मतलब एकदम भी अंदाजा था कि पीछे गुनी क्या कर रही हैं। तो मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। और ये हमारा खाना मतलब रेडी है, गुनी शरद के लिए मैंने निकाल दिया दोनों मतलब दाल की पूड़ी हैं, दो सादी पूड़ी और सेवई और पनीर की सब्जी। तो बस अब इन लोगों को खाना दे दिया मैंने, ये लोग खा लेंगे और अम्मा भी आ जाएंगी वो भी खा लेंगी। यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके हैं, गुनी शरद को और अम्मा को मैंने खाना खिला दिया है। बस अभी गुनी के पापा नहीं आए तो वो और हम दोनों लोग ही बाकी हैं खाना खाने के लिए। और गुनी शरद ने खा लिया, वैसे तो वो लोग पापा के साथ खाते हैं लेकिन गुनी को पूड़ियाँ इतनी पसंद है कि वो पापा का वेट नहीं कर पाई, कहीं मम्मी हमें दे दो हम खा लेते हैं। तो गुनी ने खाया, शरद ने खाया और अम्मा ने खा लिया और काम भी मेरे मतलब लगभग सब फिनिश है और बस जो खाएंगे वो बर्तन रह जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और अब यहाँ पर करते हैं वीडियो का इन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, आपका एक शेयर और एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, उससे हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हाँ लोगों ने हमारे वीडियो को वॉच किया, उसे लाइक किया, पसंद किया और शेयर किया। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।